जयपुर मंडल में मालगाड़ी के दो डब्बे पटरी से उतरने का मामला सामने आया है। पटरी से डब्बे उतरने के बाद रेल विभाग हरकत में आ गया। दरअसल मामला जयपुर से अजमेर जाने वाले रूट का है, जहां आसलपुर जोबनेर और हिरनौत स्टेशन के बीच यह घटना हुई है। जयपुर से फुलेरा की तरफ शनिवार सुबह मालगाड़ी जा रही थी, तभी आसलपुर जोबनेर और हिरनौत स्टेशन के बीच गुड़ा फाटक के पास मालगाड़ी के डब्बे पटरी से उतर गए। गौरतलब है कि यह मालगाड़ी खाली थी, इस पर कोई भी कंटेनर या डिब्बा मौजूद नहीं था। जोबनेर में आसलपुर स्टेशन पर हुई इस घटना के बाद इस रूट से गुजरने वाली 7 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बदहाल ट्रेन के डिब्बे पटरी से क्यों उतरे, इसके कारणों की जांच भी की जा रही है। जयपुर से फुलेरा अजमेर जोधपुर रूट पर जाने वाली 7 गाड़ियों को रद्द किया गया है। इसमें से जयपुर से सूरतगढ़ जाने वाली गाड़ी जयपुर जंक्शन से रवाना होने के बाद उसे कनकपुरा स्टेशन पर ही रोक दिया गया और वहां से ट्रेन का आगे का संचालन रद्द कर दिया गया है। तो वहीं कुछ ट्रेनों का संचालन देरी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये घटना जोबनेर के आसलपुर स्टेशन पर हुई है। डीरेल हुई मालगाड़ी को वापस पटरी पर लाने की मशक्कत भी की जा रही है। आइए आपको बताते हैं जयपुर से जोधपुर और अजमेर के बीच चलने वाली 7 ट्रेनें कौन सी है जो रद्द हुई है। गाड़ी संख्या 19735 जयपुर मारवाड़ 15 तारीख को रद्द रहेंगी। गाड़ी संख्या 19736 मारवाड़ जयपुर 15 तारीख को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 22977 जयपुर जोधपुर 15 तारीख को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 22978 जोधपुर जयपुर 15 तारीख को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 09605 अजमेर जयपुर 15 तारीख को रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 09606 जयपुर अजमेर 15 तारीख को रद्द रहेगी। और साथ ही गाड़ी संख्या 19719 जयपुर सूरत रेलवे, जो कि 15 तारीख को जयपुर से रवाना हुई, इसे कनकपुरा स्टेशन पर रद्द किया गया है। यानी यह रेल सेवा कनकपुरा से सूरतगढ़ के बीच रद्द रहेगी। हादसे के बाद कई ट्रेन लेट हो गई है, जिसकी वजह से जयपुर स्टेशन पर ट्रेनें लेट होने से अजमेर जोधपुर किशनगढ़ फुलेरा की रूट की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना के बाद रेलवे के इंजीनियर्स विंग के अधिकारियों की टीम मौके पर रवाना हो गई। टीम की ओर से ट्रेन को वापस पटरी पर लाकर और ट्रैक की सेफ्टी चेक करने के बाद उसे संचालन के लिए शुरू किया जाएगा।